महाराष्ट्र में दबंगों द्वारा हैवानियत की हद पार किए जाने का मामला सामने आया है। दबंगों ने 3 युवकों का अपहरण कर उन्हें तालिबानी सजा दी गई। कुतवाली देहात क्षेत्र के नवागढ़ी निवासी राकेश कुमार त्रिपाठी के 14 वर्षीय बेटी के साथ दबंगों द्वारा चाकू की नोक पर शादी कर ली गई थी, जिसकी शिकायत पीड़ित के पिता ने पुलिस में की, जिससे नाराज दबंगों ने कार्तिक पूर्णिमा मेला देखने गए अजय कुमार त्रिपाठी, उनके साथी राकेश कुमार और लतीफ मुन्ना का दबंगों ने अपहरण कर लिया। उसके बाद उन्हें अज्ञात स्थान पर रखकर तालिबानी सजा दी गई। अजय कुमार त्रिपाठी का कहना है कि उन्हें और उनके साथियों के अपहरण के बाद लाठी डंडों और बेल्ट से निर्मम पिटाई की जाती रही। पानी मांगने पर वे लोग उनके मुंह में पेशाब कर देते थे। उन्होंने बताया कि उन तीनों की गला काटकर हत्या कर शव को नदी में फेंकने की फिराक में थे, लेकिन किन्हीं राहगीरों द्वारा पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन लोगों को दबंगों के कब्जे से छुड़ाया और उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। एएसपी सिटी अजय प्रताप ने बताया कि घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर दबंगों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोग के साथ में जा रहा था, 3 साल के बाद मैं मुंबई से आया था यहाँ पे, मैं अपने माँ पिता से भेंट करने के लिए। मेरे औरत इधर बम्बई में है, मेरे दो बच्चे, एक लड़की है राजा नाम का, एक लड़की है मेरा छोटी सी है दो। किसके लिए लोग मारा, मैं इनको लोग के साथ में था, इनके लोग से रंजित था, मैं इसके साथ में जा रहा था, इसीलिए मेरे ले जाकर मेरे को फ्री में मारा। मैं जब हाथ पाँव जोड़ने लगा तो मेरे पेशाब किए, मेरे को बोले तुम आतंकवादी लोग हो, ऐसा ऐसा किया है, 5 लाख रुपया लोग लिए हैं, तो तुम लोग इधर आए हो, मेरे को 10,000 खिलाए हो, तो वीडियो मेरा बनाए हैं नंगे करके। पहुंचे साहब, किसी ने फोन किया, सुबह 10 बजे से मार रहे थे और शाम तक मारे हैं, 6 बजे तक पुलिस पहुंची किसी तरीके से, तो हमको बचे हैं कि तुम मार देते था। साहब एक बार हमारी लड़की को जो है जबरदस्ती शादी की, हमको सामने लेके आए, वीडियो कैमरा में लिए, दबंगई से शादी कर ले गए। 14 साल की लड़की थी, एक बार ये घटना की, उसके बाद साहब दोबारा अब ये घटना मेरे साथ की, जान से मरवा देने। कौन से? साहब ओमकार और ननके और टिंकू तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? साहब ओमकार कुर्बेनी ग्राम, कुर्बेनी जिला सरावस्ती रहने वाले हैं, ननके मिश्रा वो दोनों भाई हैं। ये ओमकार मिश्रा मर्डर भी किए हैं, उनके ऊपर आजीवन कारावास से फाइल दबी हुई है, और वो आए थे टिंकू तिवारी, ये शांति बदमाश से घर के अंदर स्वयं मारे साहब 3 लोगों को, मुँह में भी वही मुँह नंगा कर दिए हैं, वहाँ वीडियो भी बनाए हैं, फर्जी की।